हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, लेकर आया हूँ स्पेशल ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन, जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन का। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दो और यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब। कि हाथ से कुटा हुआ धान किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है। हाथ से जब हम कूटते हैं धान को, किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है। विटामिन डी, सी, बी, ए। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्टली क्वेश्चन ये आ चुका है कई बार एग्जाम में। इसका राइट आंसर है विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि ये आंखों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक है, ये शरीर में स्फूर्ति देते हैं, ये ऊर्जा की उत्पत्ति में अधिक उपयोगी है, ये शारीरिक अवयव के निर्माण में सहायक है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शारीरिक अवयव के निर्माण में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम के साथ साथ किस तत्वों की आवश्यकता होती है। दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम के साथ साथ किस तत्वों की आवश्यकता होती है। शर्करा, फास्फोरस, निकल, आयरन। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा फास्फोरस की आवश्यकता होती है कैल्शियम के साथ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि गाँव में किसी महिला के गले की ग्रंथि में असाधारण रूप से वृद्धि हो जाती है तो उस महिला में किस तत्वों की कमी है। फास्फोरस, विटामिन, आयोडीन या वसा। जो गलगोटू होता है अधिकतर जो गांव में होते थे पहले, लेकिन अब समाप्त हो चुका है। लेकिन दोस्तों, महिला के गले में जो ग्रंथि में असाधारण रूप से वृद्धि होती है तो क्या होता है, किसकी कमी से होता है। आयोडीन की कमी से, नमक की कमी से। अगला क्वेश्चन है, वसीय पदार्थों के अधिक सेवन से दिल की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि इसमें ऊर्जा अधिक होती है, प्रोटीन अधिक होता है, कोलेस्ट्रॉल अधिक होता है या विटामिन अधिक होता है। तो दोस्तों, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। आपके कहने पर मैं स्पीड से प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च किसका बहुलक है। चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च का बहुलक है एग्लाइकोजन, शर्करा, अम्ल, वसामल यानी प्रोटीन। दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आएगा क्या जरूर बताइएगा कॉमेंट करके। शर्करा होता है दोस्तों चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च में। पदार्थ जो होते हैं उसमें विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो हीनतान्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है या पेशियों के विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि इसके जो दो ऑप्शन है वो ऊपर की ओर है। विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो हीनतान्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। दोस्तों, ये राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अपाचयन है, आक्षिकारक है, अनुवीरीकारक है या जल की अशुद्धियों को घोल देता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, अपचायक यानी आक्षिकारक है ये। दोस्तों, बैक्टीरिया एवं फफूंदी कहे जाते हैं। बैक्टीरिया और फफूंदी क्या कहे जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, अपघटक, उपभोक्ता, मांसाहारी, शाकाहारी। इसका राइट आंसर है दोस्तों अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं विषम परपोषी, मृता परपोषी, परपोषी या स्वपोषी। फटाफट इसका दोस्तों आंसर दीजिएगा, सोचिएगा। इसका राइट आंसर है मृता उपजीवी। एक तालाब पारितंत्र में बड़ी मछलियां, कछुए, मेंढक होते हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए, अपघटक के लिए या उत्पादक के लिए। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए। निम्न में से कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है। मैग्नीशियम से, लोहा से, सीसा से या जस्ता से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, सीसा से। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाता है, मेंढक, शेर, हिरण, पादप। प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाएगा, हिरण कहलाएगा। दोस्तों, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, आप सभी को पता है 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के किस ग्रह को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अद्भुत ग्रह किस ग्रह को कहते हैं। दोस्तों, मोस्टली एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर है पृथ्वी। मनुष्य के जीवित रहने के लिए कौन सा घटक आवश्यक है। दोस्तों, भोजन भी जरूरी है, जल भी, हवा भी। तो दोस्तों, उपरोक्त सभी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण संबंधी विचार सर्वप्रथम किस देश के जीव विज्ञानी के मन में आया था। अमरीकी, रूसी, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के मन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण संबंधी विचार किस जीव विज्ञानी ने प्रस्तुत किया। मनोवैज्ञानिक ने दिया था, एडवर्ड सूस ने, पीसी जेम्स ने, क
कार्ल सावर से, आईडी मैगजीन से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा क्या, जरूर बताइएगा, एडवर्ड सूस ने किया था ये। धूम्रपान करने से कौन सा प्रदूषण होता है, धूम्रपान करने से कौन सा प्रदूषण होता है, धूम्रपान जो बीड़ी सिगरेट से होता है, जो ध्वनि वायु जल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वायु प्रदूषण होता है। पेड़ पौधों के काटने से किस गैस का उत्पाद कम हो जाता है, पेड़ पौधे के काटने से किस गैस का उत्पाद कम हो जाता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हीलियम। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। तो दोस्तों इस तरह हमने आज मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट ईवीएस से रिलेटेड किया है। कैसा रहा ये प्रैक्टिस सेट, फास्ट प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं आपके कहने पर। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो, अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब ठोक दो। तो दोस्तों थैंक यू, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं अगली वीडियो में।